अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एपीआईस को देखा था कि ऐप की जो रेस्टफुल एपीआई है वो क्या होती है, उसके राउट्स कौन कौन से हैं। तो एक फेक एपीआई मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, एवरी 30 मिनट्स जो है ये एपीआई रिफ्रेश हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अगर आप इसके साथ प्ले भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये एपीआई जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती है। तो आज लेट्स सपोज कि हम बूटस्ट्रैप बेस्ड एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं छोटी सी, जिसके अंदर आपकी रेसिपीज लिस्ट होंगी, डिलीट होंगी, अपडेट होंगी और क्रिएट होंगी। मोर और लेस हम सारे ऑपरेशंस जो आपके वेब एप्लीकेशंस में किसी एक रिसोर्स के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं यूजिंग एपीआई, रेस्टफुल एपीआई, वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, एजेस की कॉल्स प्रिपेयर कैसे करनी है, भिजवानी कैसे है, डेटा कैसे सेंड करना है, डेटा रिसीव कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर द टाइम बीइंग मैंने ये किया है कि मैंने आपका जो फोल्डर है, ये बाकी सारे फोल्डर्स भी इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, तो लेट्स सपोज कि हम इसी को ओपन कर लेते हैं। एक टर्मिनल ओपन कर लें, टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट ही है यहीं पे, और मैं सीडी लेक्चर 10 12 12 के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, और मैं इस फोल्डर को ओपन करना चाह रहा हूँ। कोड के अंदर पिछले वाले फोल्डर को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें ना आए यहाँ पे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक्चुअली ये किया है कि मैंने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके रखा हुआ है, और बूटस्ट्रैप डॉट मिंट डॉट सी एस एस की फाइल है वो मैंने अटैच की हुई है, यहाँ पे रखी हुई है। बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल रखी हुई है, मेरे जावास्क्रिप्ट की जेक्यूरी की अपनी पड़ी हुई है, पॉपर पड़ा हुआ है, और मैंने स्टाइल्स की फाइल जेक्यू स्टाइल्स डॉट सी एस एस अपनी कस्टम स्टाइल्स जेक्यू क्रड एक कस्टम जेक्यू क्रड जो है वो उसके अंदर एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल रखी हुई है जो बिल्कुल एम्प्टी है अभी, और मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है। इस पेज में जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि किस सीक्वेंस के अंदर फाइल्स को मैंने अटैच किया है। सबसे पहले आपकी जेक्यूरी अटैच हो गई, ओके। आपको बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट ये है, लेकिन बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट है ये एक्चुअली इन दो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मींस कि अगर आप बूटस्ट्रैप की फाइल्स को इनसे पहले अटैच करेंगे तो ये एक्चुअली काम नहीं करेगा। तो आपको इसको बूटस्ट्रैप को भी साथ में काम बूटस्ट्रैप को एक्चुअली यूज करने के लिए अगर हमें चाहिए होगी बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट, तो इसको आप अटैच करेंगे पहले दोनों फाइल्स के बाद। ये मेरी अपनी कस्टम जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसके अंदर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड करूंगा। ये चूंकि सबसे एंड पे आ रही है जावास्क्रिप्ट की लाइन में, तो ये बूटस्ट्रैप के फंक्शंस भी इसमें अवेलेबल होंगे, पॉपर के भी अवेलेबल होंगे और जेक्यूरी के भी अवेलेबल होंगे। ये मैंने जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है, सॉरी जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ, बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस की फाइल है वो अटैच करवाई हुई है। ये जो फाइल है ये मेरी कस्टम सीएसएस की फाइल है जो कि मैं अपने साथ अटैच कर रहा हूँ पेज के साथ, जो अगर हमें कोई स्टाइलिंग मैंने अपडेट करनी है। एचटीएमएल के मार्कअप को अगर हम देखें तो मैंने बॉडी को क्लास दे दी है कंटेनर की, बूटस्ट्रैप चूंकि अटैच की हुई है तो ये थोड़ा पेज को कन्फाइन कर देगा। एक हेडिंग वन मैंने अटैच की हुई है, लगाई हुई है साथ में, और एक मैंने एम्प्टी डिव ली हुई है, जिसका आईडी रेसिपीज है और उसके अंदर अभी फिलहाल कुछ नहीं है, एक रेसिपीज विल लोड हेयर ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लेट्स से कि इसको हम ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। ये हमारा एक पेज है, अभी पेज के लोड होने के ऊपर मैं एजेस की कॉल्स करना चाह रहा हूँ। तो ये फेक एपीआई है, और ये आपका जो डेटा है उस फेक एपीआई के, सॉरी ये तो जेसन प्लेस होल्डर है। इसको मैं नए टैब के अंदर ओपन करता हूँ, इसके अंदर डेटा है, अभी ये दो आ रहे हैं। आप जब यूज़ कर रहे होंगे इस एपीआई को तो मे बी इसके अंदर 10 रिकॉर्ड हो, क्योंकि ये एवरी हाफ एन आवर जो है वो अपडेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली एपीआई जो आपकी अपडेट हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट के हम अपनी ऑन पेज लोड। अगर आप इस चीज़ को, ये जो सीक्वेंस है इसको ना भूलिएगा, जिन से ना रखिए भूलिएगा, इस एचटीएमएल की फाइल को आप एज ए स्टार्टर पैक भी यूज़ कर सकते हैं।
अपनी प्रोसेस के लिए अगर आपको ये सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जेक्यूरी पहले आएगा, पॉपर बाद में आएगा, बूटस्ट्रैप उसके बाद में आएगा, आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो सबसे एंड पे आएगी, बूटस्ट्रैप की सीएसएस की फाइल पहले आएगी और आपकी सीएसएस की फाइल जो है वो बाद में जाएगी। ओके ये हमारा आ गया जेक्यू क्रड। ओके सबसे पहले एक फंक्शन मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ लोड रेसिपीज के नाम से। ये फंक्शन एक्चुअली क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, इस यूआरएल को हिट करेगा, हिट करने के बाद जो भी एरे आ रही है उस एरे को रिसीव करेगा और यहाँ पे हमारे पेज के अंदर एक डिव्स क्रिएट करेगा। ओके तो लोड रेसिपीज को लोड करने के लिए ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। इसको हमने कॉल कब करना है, इसको हमने कॉल करना है ऑन पेज लोड। विंडो डॉट ऑन लोड के ऊपर भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन हम डॉलर फंक्शन को एक और फंक्शन पास कर देते हैं और उसके अंदर ये फंक्शन कॉल करेंगे। इससे ये होगा कि ये वाला फंक्शन तब कॉल होगा जब आपका डॉम प्रिपेयर हो चुका होगा। अगर आप इसके बाद भी करेंगे तो मे भी काम करे, मे भी ना काम करे, क्योंकि हो सकता है एजेसी रिक्वेस्ट पहले आ जाए, डॉम बाद में लोड हो, ये भी हो सकता है कि डॉम लोड हो चुका हो, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो हम इसको एजेस की कॉल करेंगे ही तब जब आपका पेज लोड हो चुका होगा। तो यहां से अब एजेस की रिक्वेस्ट जो है वो हमने सेंड करनी है। लास्ट में हमने देखा था कि डॉलर डॉट गेट मेथड को आप यूटिलाइज कर सकते हो एजेस की रिक्वेस्ट करने के लिए, बट इनसेट के हम डॉलर डॉट गेट को यूटिलाइज करें, हम एक जेनेरिक फंक्शन डॉलर डॉट एजेक्स को यूटिलाइज कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि फिर हम हर मेथड गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो, उसको एक ही सिंटेक्स के साथ सेंड कर सकते हैं। तो ये अगर आप इसको याद कर लें या इसको समझ लें तो ये फार बेटर है। डॉलर डॉट एजेस का जो फंक्शन है ये आपसे एक जेजन का ऑब्जेक्ट लेता है और उसमें आपसे कीज मांगेगा। यूआरएल में उसे चाहिए ये वाला यूआरएल, किस यूआरएल को हिट करना है आपने, वो ये वाला यूआरएल है। मेथड कौन सा होगा, वो गेट है, पुट है, पोस्ट है या डिलीट है, तो मैं गेट मेथड को यूज कर रहा हूं। सक्सेस की सूरत में क्या होगा, किस फंक्शन को आप कॉल करना चाह रहे हैं, वो फंक्शन भी मैं यहां पे लिख देता हूं। ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी रिक्वेस्ट वापस आ जाएगी और रिस्पांस के अंदर जेक्यूरी हमारा रिस्पांस एम्बेड कर देगा। कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं रिस्पांस को ले आता हूं। ओके और एक और भी एरर के फॉर्म में कि अगर एरर क्रिएट होता है तो फिर आपने क्या करना है, तो अभी हम पहले एक रिक्वेस्ट प्रॉपर सक्सेसफुल भेजते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है। तो अगेन ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ऑन पेज लोड के ऊपर, क्योंकि ये वो लोकेशन है जो पेज लोड होने के बाद एग्जीक्यूट होगी। उसके अंदर मैं एजेक्स की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ इन दिस फॉर्मेट, डॉलर डॉट एजेक्स फंक्शन है, उसको मैं जेसन का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में मैं उसे यूआरएल दे रहा हूँ कि इस यूआरएल को हिट करो, ये मेथड होगा और सक्सेस की सूरत में आपने आके ये काम करना है। तो ये हमारा पेज है, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल के ऊपर जाते हैं, एरर नहीं आया हमारे पास। एक्चुअली एक एरे आई है, वो एरे ये वाली एरे है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स अभी आ रहे हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट के अंदर पिज्जा मेकिंग सूप, पहला ऑब्जेक्ट मेरा है पिज्जा मेकिंग सूप लिखा गया है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, अभी मॉडिफाई कर लेते हैं डेटा को। डेटा डजंट मैटर, सीक्वेंस मैटर करती है कि आप कोडिंग क्या कर रहे हो। ओके ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास रिसीव हो गए। ओके अब आप करना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन इज दिस, करना मैं ये चाह रहा हूं कि एक डिव फेंकना चाह रहा हूं इसके अंदर, रेसिपीज के अंदर, और वो इसको पहले एम्प्टी करते हैं हम रेसिपीज को यहां पे। तो रिस्पॉन्स आ गया डॉलर हैशटैग रेसिपीज, स्पेल मिस्टेक ना हो जाए, रेसिपीज डॉट एम्प्टी।
वैसे भी इसको पहले फेच कर लेते हैं, इसको हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ले लेते हैं, रेसिपीज के ऑब्जेक्ट के अंदर ले रख लेते हैं इसको, रेसिपीज डॉट एम्प्टी, इसको एम्प्टी कर लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा रेसिपीज एम्प्टी हो रही है या नहीं हो रही। पेज लोड हुआ ये पहले नज़र आ रहा है, लेकिन फिर एजिस की रिक्वेस्ट के ऊपर हम गए हैं तो वो आ गया। तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लोडिंग लिख देते हैं, ज़्यादा सेंस बनती है इसकी लोडिंग। तो पेज लोड करें, पहले लोडिंग लिखा हुआ आएगा, फिर एजिस की रिक्वेस्ट आ गई और अब आपके पास ये एरर रिसीव हो गई है यहाँ पे। ओके, और अपेंड किसको करना, क्या अपेंड करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे, रेसिपीज डॉट अपेंड। अपेंड आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा यहाँ पे, अब हम बैकटिक्स को देख लेते हैं ज़रा। पहले एक डिव लेते हैं हम, मैं एक डिव फेंकना चाह रहा हूँ, ये डिव आ गई आपकी। इस डिव के अंदर मैं एक एच वन फेंकना चाह रहा हूँ, एच वन की जगह पे एच थ्री कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं फेंकना चाह रहा हूँ टाइटल ऑफ द रेसिपी। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो रेसिपीज आ रही हैं तो मैं दो डिव्स ऐड कर रहा हूँ, और वो दोनों जो डिव्स हैं उन डिव्स के अंदर एक एच थ्री आएगा और उसके अंदर टाइटल ऑफ दी रेसिपीज लिखा हुआ होगा। ओके, तो ये दो डिव्स हैं, सॉरी जो रिस्पांस आया है मेरे पास वो दो हैं। तो मैंने अभी फॉर लूप तो लगाया नहीं है, तो फॉर लूप एक लगा लेते हैं, फॉर पीआर आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन रिस्पॉन्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस रेसिपीज डॉट अपेंड कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ओके, अभी मैं दोनों जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं दोनों रिकॉर्ड्स के लिए एक ही डिव ऐड कर रहा हूँ, सेम डिव है, बाद में हम इसको अंदर डेटा में ऐड कर लेते हैं। तो दो टाइटल्स आपके पास नजर आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। ओके अच्छा, नौ ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा अब, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग को पहले ब्रेक करने और प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पे। मैं जो डेटा आया है वेयर ये वी ए आर रेसिपी आर ई सी इज इक्वल टू रिस्पॉन्स आए, ये आपके पास पहला ऑब्जेक्ट आ गया। लूप लगेगा हर जीरोथ इंडेक्स के लिए, जीरोथ ऑब्जेक्ट फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये रेसिपी आ गई आपके पास, रेसिपी डॉट टाइटल एडअप कर देंगे यहाँ पे हम। तो ये पिज़्ज़ा पहले है, फिर थाई सूप है, पहले यहाँ पे हमारे पास पिज़्ज़ा है और फिर हमारे पास थाई सूप है। ओके, तो ये चीज़ें आ गई। अब इसके अंदर मजीद एच थ्री के बाद मैं एक पैराग्राफ ऐड करना चाह रहा हूँ जिसमें मैंने इसकी बॉडी है, तो ये हमारी काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता जाएगा ये सारा। आपने करना अब ये है कि इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, इंस्टेड कि आप डबल कोट्स यूज़ करें आप सिंगल कोट्स बैक टेक्स यूज़ करें, दो बैक टेक्स यूज कर लें आप। इस बैक टेक के अंदर आप अपनी स्ट्रिंग दें, पूरी स्ट्रिंग है, इसको आप ब्रेक करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पे जब आपको जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए आप डॉलर यूज करें और रेसिपी डॉट टाइटल यहां पे दे दें। ओके, यहां पे आप एक पैराग्राफ अटैच कर लें, रेसिपी डॉट बॉडी, सॉरी रेसिपी डॉट बॉडी ऐसे नहीं आएगा डॉलर के साथ। ये बूटस्ट्रैप जेक्यूरी नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की ऑप्शन है। अगर आप बैकटेक्स के साथ स्ट्रिंग यूटिलाइज करते हैं तो इस तरह से आप एम्बेड कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को अपनी एचटीएमएल के अंदर। नो दिस मेक्स सम सेंस, आप डिव क्रिएट कर रहे हो, उस डिव के अंदर एक एच थ्री है, एच थ्री के अंदर आप टाइटल दे रहे हो, फिर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर आप
उसका टाइटल के साथ साथ उसका बॉडी भी दे रहे हैं। तो आपका टाइटल आ गया और आपकी बॉडी आ गई। ओके हाँ, अब एक्चुअली आप एक और काम कर सकते हैं, इसको क्लास दे देंगे। क्लास इज इक्वल टू रेसिपी दे दें। सी एस एस की फाइल आपने अटैच की हुई है, मैंने ऑलरेडी अटैच की हुई है, ये डॉट रेसिपी, सॉरी रेसिपी सिंगल रेसिपी डेव का स्टाइल है, तो इसका मैं बॉर्डर डैश बॉटम 2px सॉलिड सॉरी डैश कर लेते हैं, डैश, और इसको रेड की जगह पे ब्लू कर लेते हैं। पैड मार्जिन डैश बॉटम, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल का ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाए। तो ये आपकी दो रेसिपीज आ गई। ओके गाइस, जितनी भी रेसिपीज आप बीच में ऐड अप करते जाएंगे तो वो रेसिपीज जो हैं वो यहाँ पे अटैच होती जा रही हैं, आके शो हो जाएंगी आके आके। ओके, दिस वाज द केस जिसमें हम अपनी रेसिपीज को लिस्ट डाउन कर रहे हैं और सर्वर को हमने एपीआई की रिक्वेस्ट भेजी हुई है और वो हमने इस एक फंक्शन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके, अब हम एक बटन फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे बटन डॉट बी टी एन डैश इन्फो डॉट सक्सेस इन्फो कर लेते हैं और इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ ऐड फॉर एग्जांपल ऐड रेसिपी। ओके, ये बटन आ गया आपका, इसका आईडी मैंने नहीं दिया हुआ, आईडी दे लेते हैं, आईडी इज इक्वल टू ऐड btn। ओके, तो ये रेसिपी, इसका एक बटन आ गया यहाँ पे, इसको मैं क्लोज डाउन कर देता हूँ अभी। ऐड रेसिपी के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो मे बी आई वॉन्ट के मेरा कोई पॉपअप खुल जाए और उस पॉपअप के अंदर कोई फॉर्म हो छोटा सा, और उस फॉर्म के अंदर मैं अपनी रेसिपीज को फिल करूँ, सबमिट का बटन सेव प्रेस करूँ तो वो डेटा सर्वर पे सेव हो जाए, सेव होने के बाद वापस इस पेज के ऊपर आए तो पेज के ऊपर लोड हो जाए डेटा आपका जो भी रिकॉर्ड ऐड हुआ है। एक तो ऐड रेसिपीज का बटन ऐड कर लेते हैं, दूसरा हम बटन जो ऐड करते हैं वो यहाँ पे H3 के अंदर ही जो आप हेडिंग है उसके अंदर एक BTN ऐड करते हैं या उसके एंड पे करें, इसके एंड पे कर लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर कर लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर चलें, पैराग्राफ के अंदर कर लेते हैं। स्लैश बटन क्लास इज इक्वल टू btn डैश डेंचर स्लैश बटन डिलीट। ओके, तो ये डिलीट का एक बटन आ गया जो पैराग्राफ के साथ है, इसका साइज बहुत बड़ा है, btn डैश sm कर लेते हैं इसको, btn डैश sm स्मॉल बटन, तो बटन आपका स्मॉल हो जाएगा। नाउ यू वांट कि ये बटन मेरा जो है वो राइट साइड पे चला जाए फ्लोट करके। ओके, तो इसको हम इसको css के साथ कर लेते हैं, इसको फ्लोट डैश राइट की भी कमांड दी जा सकती है, क्लास दी जा सकती है, तो वो हमारा राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास दी है फ्लोट डैश राइट, तो आगे इस बटन को हम उसके साथ अपेंड कर दें। तो इसकी html हम देखते हैं कि जनरेट होने के बाद html हमारी क्या जनरेट हुई है। तो जो आपकी हर रेसिपीज हैं यहाँ पे आ जाएं, उसके अंदर हर एक रेसिपी के अगेंस्ट एक डिव मैंने ऐड की हुई है जिसकी क्लास इज इक्वल टू रेसिपी है recipe, और उस रेसिपी के अंदर एक हेडिंग है जो ये वाली है H3, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर एक बटन है,
जो कि मैंने राइट फ्लोट कराया हुआ है, डेंजर है, रेड कलर का हो गया और ये राइट फ्लोट कर गया, यहाँ पे आपका कंटेंट आ जाएगा। बैक टिक्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने वेरिएबल्स को एम्बेड करने के लिए अपने पेज के साथ। तो इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे और ऐड रेसिपी को हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर। तो गो अहेड, आप इस एपीआई को टेस्ट करें, अपनी एचटीएमएल को मॉडिफाई करें और देखें कि आप एक एपीआई की जो कॉल है उसको गेट मेथड के साथ किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।